हरे कृष्णा, आप सभी को सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे रहेंगे। मैं अमित एरोंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताने वाला है एरोंस के SK12BT इस प्रोडक्ट के बारे में और उसे यूज़ कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम प्रोडक्ट के फंक्शंस के बारे में बताने वाले हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ लोग इस प्रोडक्ट को जैसे यूज़ करते हैं वैसे उसे नाम दे देते, जैसे कि पोर्टेबल स्पीकर, पार्टी स्पीकर या फिर कराओके स्पीकर, आप कुछ भी कहो, लेकिन ये है एक पोर्टेबल PA सिस्टम। ये प्रोडक्ट लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, आसानी से एक आदमी कहाँ पे भी मूव कर सकता है और इसे कैरी कर सकता है। मूविंग के लिए इसके पीछे ट्रॉली लगी हुई है। ये प्रोडक्ट आप क्लास में या मीटिंग में स्पीच के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंगिंग के लिए, कराओके के लिए या पाठ पूजा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल गैदरिंग्स या स्मॉल होम पार्टीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में एक खास बात बताना चाहूँगा कि एरोंस का ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। तो आइए हम जानते कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है और इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या मिलता है। यह है SK12BT का फ्रंट साइड। इसमें 12 इंची स्पीकर लगा हुआ है और 1 इंची हाइज है। इस सिस्टम का RMS पावर 100 वॉट है। यह है इसका साइड व्यू। इजीली कैरी करने के लिए एक साइड में हैंडल दिया गया है। यह है SK12BT का बैक साइड विथ ट्रॉली। हम आपको बैक साइड के पैनल को अच्छी तरह से समझाने के लिए इस ट्रॉली को निकाल रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये ट्रॉली ना निकालें। यह है SK12BT का बैक पैनल। पावर सॉकेट में पावर कॉर्ड प्लग इन करने के बाद यहाँ पे ऑरेंज लाइट ग्लो होगा। इसका मतलब यह है ये जो सिस्टम है वो चार्ज हो रहा है। यह ऑरेंज लाइट ग्रीन होने का मतलब ये जो सिस्टम है वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। अभी हम पावर कॉर्ड को प्लग आउट कर रहे हैं। ये है ऑन ऑफ स्विच। ये प्रेस करने के बाद ग्रीन लाइट ग्लो होगा और डिस्प्ले भी ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये सिस्टम जो है ऑन हो चुका है। दो जैक इनपुट गिटार और माइक के लिए, आईपॉड और MP3 पोर्ट में इनपुट देने के लिए EP to EP मतलब ऑक्स वायर यूज़ करके आप इनपुट दे सकते हैं। लाइन इन इनपुट मोबाइल कनेक्ट करने के लिए, मिक्स आउट से 2RC to 2RCA वायर यूज़ करके ऐसे ही सेम सिस्टम को लूप कर सकते हैं। मिक्स आउट में किसी भी तरीके का इनपुट नहीं देना है। दो VHF वायरलेस माइक के वॉल्यूम नॉब, उसका ऑन ऑफ स्विच, ये दो एंटीना VHF वायरलेस माइक्रोफोन के लिए है। जब वायरलेस माइक 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस से यूज़ कर रहे हो तो ये दो एंटीना ज़रूर ओपन करें। VHF माइक का रेंज अप टू 10 मीटर है। माइक वॉल्यूम नॉब, इको नॉब, ट्रबल नॉब, बेस नॉब, मेन वॉल्यूम नॉब, टॉक ओवर स्विच। जब कोई पार्टी चालू है और आप अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो टॉक ओवर स्विच यूज़ होगा। वो कैसे, ये हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे ऊपर में जो है वो मल्टीमीडिया सेक्शन विद डिजिटल डिस्प्ले। इसमें SD कार्ड पोर्ट, USB पोर्ट, मोड बटन, प्रीवियस बटन एंड नेक्स्ट बटन, रिकॉर्ड बटन, स्कैन और प्ले पॉज बटन, और ये है IR सेंसर जो रिमोट के लिए है। इस मल्टीमीडिया सेक्शन को कैसे यूज़ करना है और इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है ये हम आपको दिखाते हैं। गिटार और माइक इनपुट में आपको P38 जैक यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक वायर्ड माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं। P38 जैक से हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। माइक वॉल्यूम नॉब हमने यहाँ से बढ़ाया, मेन वॉल्यूम नॉब भी बढ़ाया। अभी हम माइक चेक करेंगे। हरे कृष्णा, हरे रामा, हरे कृष्णा, हरे रामा। यह है इको नॉब। यह ऑन करने से वॉइस में एक इफेक्टिवनेस आ जाएगा। वो कैसे, ये हम आपको करके दिखाते हैं। हरे कृष्णा, हरे रामा, हरे कृष्णा,
हरे रामा। यह है ट्रबल नॉब, यह ऑन करने से हाई फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस मतलब कि आउटपुट बढ़ जाता है। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। यह है बेस नॉब, यह ऑन करने से वॉइस में मतलब कि सिस्टम के आउटपुट में लो फ्रीक्वेंसी का आउटपुट बढ़ जाता है। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। यह है मेन वॉल्यूम नॉब, इसके मदद से आप अपने सिस्टम का मेन वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। बेस और ट्रेबल नॉब से आप आपके सिस्टम को टोनालिटी सेट कर सकते हैं। यह हम एक बार सेट करके आपको दिखा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। आईपॉड और MP3 इनपुट यूज करने के लिए ऑक्स टू ऑक्स वायर यूज करना होगा। ये वायर यहाँ पे प्लग इन होगा, हम आपको प्ले करके दिखा रहे हैं। अभी हमने गाना लगा दिया है। आईपॉड MP3 का आउटपुट आने के लिए मेन वॉल्यूम नॉब ओपन करना पड़ेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि टॉक और स्विच कैसे वर्क करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू है और यहाँ पे हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टॉक और स्विच ऑन नहीं किया है, तो हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऑन रखते हैं और बिना टॉक और स्विच ऑन करके क्या रिस्पॉन्स आता है ये एक बार चेक कीजिए। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। जैसे कि आप सुन सकते हैं, टॉक और स्विच बिना ऑन किए म्यूजिक का वॉल्यूम नहीं कट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे टॉक और स्विच ऑन कर रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चालू रख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या फर्क हो रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। ये आप देख सकते हैं, टॉक और स्विच ऑन करने के बाद बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू है, लेकिन जब भी हम माइक में अनाउंसमेंट करते हैं तभी जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहती है उसका वॉल्यूम कट हो जाता है और जो माइक से इनपुट जा रहा है उसका वॉइस प्रॉपरली और फोर्सफुली आता है। लाइन इन इनपुट में मोबाइल कनेक्ट करने के लिए हमारे SK12BT प्रोडक्ट के साथ आपको मोबाइल डीजे कॉर्ड आया रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा। उसमें से ये दो जो कनेक्टर है रेड और वाइट, तो आपको रेड में ये रेड पोर्ट में इनपुट देना है और वाइट को वाइट पोर्ट में इनपुट देना है, और ये जो आपका कनेक्टर रहेगा ये आपके मोबाइल में इनपुट करेगा, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर आपको जो चाहिए वो सॉन्ग्स या कुछ भी ऑडियो ट्रैक आप प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, प्ले करने के बाद ये मेन वॉल्यूम नॉब जो है ये आपको ओपन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से आप लाइन इन इनपुट यूज करेंगे। वायरलेस माइक्रोफोन यूज करते समय पहले आपको यहाँ पे जो VHF पावर करके बटन है ये आपको प्रेस करना है। वो प्रेस करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ग्लो होगा, मतलब कि आपका जो ये सिस्टम जो है वायरलेस VHF वायरलेस माइक्रोफोन का वो ऑन हो चुका है। फिर आपको अपने माइक से स्विच ऑन करना है कुछ इस तरह से। अगर आप माइक का ये स्विच मिडल में रखते हैं तो आपका माइक म्यूट है, या आपको प्रॉपरली ऊपर तक स्विच ऑन करना है, मतलब कि आपका माइक वर्क करेगा। अब यहाँ पे ऑन करने के बाद RFB जो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम बी के बाजू में जो RFB करके लाइट जो है वो ग्रीन लाइट ग्लो हो गया, मतलब कि आपका माइक कनेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाएंगे और चेक करेंगे। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा।
वायरलेस माइक और वायर्ड माइक यूज़ करते समय आपके जो ये इको, ट्रबल, बेस, ये जो नॉब्स है ये दोनों वर्क करेंगे, चाहे आप कौन से भी माइक यूज़ करते रहे, वायरलेस यूज़ करें या वायर्ड माइक यूज़ करें। आइए हम जानते हैं कि मल्टीमीडिया सेक्शन कैसे यूज़ करना है। मल्टीमीडिया सेक्शन में आपको पहले SD एंड MMC पोर्ट मिलता है। इस पोर्ट में आप SD कार्ड इंसर्ट करके जो भी ऑडियो ट्रैक्स है वो प्ले कर सकते हैं। उनका जो वॉल्यूम कंट्रोल रहेगा, SD कार्ड में जो भी ऑडियो ट्रैक्स रहेंगे उसका वॉल्यूम कंट्रोल ये मेन वॉल्यूम नॉब पे रहेगा। सेकंड आपको मिल रहा है USB स्लॉट, इसमें आप पेन ड्राइव इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम आपको करके दिखा रहे हैं। पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद वो स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद वो डायरेक्टली सॉन्ग्स प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे जो प्ले लिखा है उसके साइड में ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब कि आपके जो पेन ड्राइव में जो ऑडियो ट्रैक्स है वो प्ले हो चुके हैं। उसका वॉल्यूम वो कंट्रोल जो रहेगा वो मेन वॉल्यूम नॉब पे रहेगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये जो ऑडियो ट्रैक प्ले हो रहे हैं उनका टोनलिटी आप ट्रबल और बेस से सेट कर सकते हैं और मेन वॉल्यूम नॉब से आप वॉल्यूम दे सकते हैं। अभी जो सॉन्ग चालू है उसके अगले वाला सॉन्ग लगाना है, मतलब कि नेक्स्ट सॉन्ग लगाना है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन है, ये हम लोग एक बार प्रेस कर देंगे तो ये नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। अभी हमको रिटर्न हुई पिछले वाला सॉन्ग प्ले करना है, तो यहाँ पे प्रीवियस बटन है वो हम प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस सॉन्ग था वो प्ले हो जाएगा। सॉन्ग को प्ले और पॉज करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, प्ले और पॉज। आप एक बार वो प्रेस करेंगे तो आपका जो सॉन्ग प्ले रहेगा वो पॉज हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो सॉन्ग जो प्ले था वो पॉज हो चुका है, यहाँ पे लिख के भी आया है पॉज करके, तो ये पॉज हो जाएगा। अभी दोबारा प्ले करने के लिए यही बटन एक बार फिर प्रेस करेंगे तो जो ट्रैक था वो प्ले हो जाएगा। आइए तो हम जानते हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होता है। रिकॉर्डिंग आप वायरलेस माइक से भी कर सकते हैं और वायर्ड माइक से भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते वक्त आप इको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रिकॉर्डिंग में आपको इको चाहिए तो वो कैसे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रिकॉर्ड बटन है वो हम एक बार प्रेस करेंगे, वो प्रेस करने के बाद डायरेक्टली रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। यहाँ पे मैं वायरलेस माइक से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने वायरलेस माइक का स्विच ऑन कर दिया और रिकॉर्डिंग बटन जो है वो मैं प्रेस करता हूँ। हेलो 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 हेलो, हे चेक 1 2, चेक रिकॉर्डिंग चेक। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, चेक रिकॉर्डिंग चेक। अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है या यहाँ पे मैं पॉज बटन दबा के वो रिकॉर्डिंग में पॉज कर दूंगा। उस रिकॉर्डिंग को सेव करने के लिए मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड बटन दबाऊंगा और वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। रिकॉर्डिंग का जो वॉल्यूम रहेगा ये भी मेन वॉल्यूम नॉब पे ही रहेगा। कुछ इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग ने थोड़ा वक्त लिया है तो हम आपको करके दिखाते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है। ये अभी प्ले हो जाएगी। हेलो, हे चेक 1 2, चेक रिकॉर्डिंग चेक। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, चेक रिकॉर्डिंग चेक। आइए हम जानते हैं कि अभी इसमें हम मोड में ब्लूटूथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं पेन ड्राइव अनप्लग कर देता हूँ। अनप्लग करने के बाद यहाँ पे मोड बटन है वो हम एक बार प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे कनेक्टेड ब्लूटूथ करके लिख के आएगा। तो आपके पास कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस रहेगा जिसमें हम ब्लूटूथ डिवाइस सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ करके एक डिवाइस नेम आ जाएगा।
हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मेन वॉल्यूम नॉब हम ओपन करके रखेंगे, क्योंकि जब डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा तो एक बीप सुनाई देगा कुछ इस तरह से। ये बीप सुनाई देने के बाद आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे कुछ सॉन्ग प्ले करेंगे, उस सॉन्ग का वॉल्यूम कंट्रोल भी है, ये मेन वॉल्यूम नॉब पे ही रहेगा कुछ इस तरह से, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको मल्टीमीडिया सेक्शन में ब्लूटूथ यूज़ करना है। हम एक बार रिटर्न मोड बटन प्रेस करेंगे तो वो एफएम मोड पे चला जाएगा। एफएम मोड पे चला जाने के बाद अगर आप मेन वॉल्यूम नॉब ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से आवाज़ आ जाएगी। जो नियरेस्ट एफएम रेडियो स्टेशन रहेगा वो स्कैन करने के लिए यहाँ पे जो प्ले पॉज बटन है वही आपको एक बार प्रेस करना पड़ेगा। उसके ऊपर ही स्कैन लिखा हुआ है, वो आप प्रेस कर देंगे तो जो नियरेस्ट एफएम रेडियो स्टेशन रहेगा वो कैच कर लेगा। इस तरह से आपको मल्टीमीडिया सेक्शन यूज़ करना है। SK12BT के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। ये प्रोडक्ट आप पावर कॉर्ड प्लग इन करके भी यूज़ कर सकते हैं या बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं। इस सिस्टम को फुल्ली चार्ज होने के लिए 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। फुल्ली चार्ज होने के बाद ये सिस्टम का वॉल्यूम आप जो सेट करेंगे उसी हिसाब से ये 2 से 4 घंटे तक प्ले होगा। अगर ये प्रोडक्ट आप रेगुलरली नहीं यूज़ कर रहे तो 7 से 10 दिन में एक बार इसे 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर प्ले करेंगे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वायरलेस माइक में से बैटरी ज़रूर निकालें। मिक्स आउटपुट में किसी भी तरह का इनपुट नहीं देना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।